Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं Carport Sales Simulator. तो जैसा कि आप लोग को याद होगा कि लास्ट एपिसोड में मैंने इस गेम की सबसे फास्टेस्ट कार निसान GTR को खरीद लिया था. भाई ये गाड़ी मुझे बहुत ही ज्यादा मुश्किलों से मिली, वो भी कार ऑक्शन में. और इस गाड़ी को खरीदते खरीदते इसका प्राइस पड़ गया $6,00,000 का. और सबसे मस्त बात तो यह है कि अभी अपना पर्सनल कार कलेक्शन बहुत तगड़ा हो चुका है. अपने गैरेज में ब्लैक माफिया कार, मस्टैंग, सुप्रा और 4th निसान GTR, सारी तगड़ी तगड़ी गाड़ी आ गई है. तो आज की सॉली वीडियो में हम लोग और रेयर कार ढूंढेंगे और अपने कार कलेक्शन को और बड़ा करने वाले हैं. मतलब मेरा नेक्स्ट टारगेट है लैम्बोर्गिनी, फरारी, पोर्शे. ये तीन गाड़ियों को भी कहीं ना कहीं से ढूंढ के खरीद के लाना है और अपने गैराज में डालना है. तो लेट्स गो. ज्यादा बातें शाते नहीं करते हैं, उसके लिए बहुत बिजनेस करना पड़ेगा ताकि पैसा कमा पाए और फिर गाड़ियां खरीदेंगे. ऑलराइट गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू कारपोर्ट सेल. अभी फिलहाल मैं सोकर उठा हूं, अपने घर में आके सो गया था लास्ट नाइट. बस दुख की बात तो यह है कि मैं बस पकड़ कर आया था और अभी मुझे वापस भी बस पकड़ के जाना होगा. पर सोच रहा हूँ कि जाने से पहले क्यों ना अपने जो नेबरहुड है, प्यारा सा शहर है, आराम से भाई भाई गाड़ी आराम से निकाल लो, मुझे एक्सीडेंट निकालना. अभी मैं सो के उठा हूं और अभी थोड़ा सा अमीर आदमी बन चुका हूं. अमीर बन के मरना नहीं है इस गेम में. वैसे एक मस्त चीज है भाई, आते ही सोने पे सुहागा हो गया. भाई यहाँ पर ये जो बड़ा सा घर है इसकी ऑनर एक सुप्रा बेच रही है. भाई पहले सुप्रा मस्टैंग अपने लिए बहुत रेयर कार हुआ करती थी, बट आजकल तो घूमते फिरते मिलते रहते हैं. कितने की है? मेरे पास $3,00,000 है. इसकी गाड़ी 6% डैमेज है और मुझे 66,000 बोल रही है. तो मैं क्या इसकी गाड़ी $58,000 में ले सकता हूँ? शायद बेच देगी, शायद से. मिल तो जाए. लेट्स गो भाई, मिल गई. आजकल मैं बार्गेनिंग में एक्सपर्ट हो गया भाई. ये गाड़ी मैंने बढ़िया सी खरीद ली है, इसको ले जाके बेच देंगे. मतलब अभी जो मैंने आपको गाड़ियां बताई थी ना, वो अपने पर्सनल गैराज के है. मतलब उन गाड़ियों को मैं बेचूंगा नहीं, अब वो मेरा पर्सनल कलेक्शन है. और जो बाकी गाड़ियां इसको बेचने के लिए खरीद रहा हूं मैं. बाकी यहां पे अभी मैं दूसरी स्ट्रीट पे आ चुका हूं. इधर तो मुझे कोई भी खास गाड़ी बिकती हुई नजर नहीं आ रही है. वेट वेट वेट, सामने शायद से बंदा वो जो है टेस्ला बेच रहेगा. ओ लेट्स गो टेस्ला. बड़े दिन हो गए भाई टेस्ला नहीं खरीदी. चलो 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 ये खरीद ले. ये टेस्ला है, सिट्रियन है. सिट्रियन है तो 6,000. ना ना ना, सस्ती गाड़ी नहीं, सॉरी मैम. मुझे दूर से लग रहा था कि आपकी गाड़ी टेस्ला है तो मैं आ गया था भाग के, बट मुझे ये गाड़ी बिल्कुल भी नहीं खरीदनी. अभी फटाफट से चलते हैं नेबरहुड, कार मार्केट प्लेस. नेबरहुड में तो मैं हूँ. आज कार मार्केट प्लेस ओपन है, वहाँ पे बहुत तगड़ी तगड़ी गाड़ियां आती है बिकने के लिए. हमेशा नहीं आती बट कभी कभी लकी डे होता है तो आ जाती है. ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए एक छोटा सा ड्रिफ्ट मारते हैं यहाँ पे और जल्दी से गाड़ी को लेकर चलते हैं कार मार्केट. वैसे यार मैं तो आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ अपनी निसान GTR को वापस से चलाने के लिए. मतलब बहुत तेज भागती है इसलिए उसे चलाने में एक अलग ही मजा आता है. और लेट्स गो, मार्केट प्लेस पहुंच गए, एक चक्कर काट के आते हैं. BMW बिक्री है एक, जो कि सही रेट पे मिल जाएगी, शायद से सस्ती बिकती है. BMW सीरीज 5 1986 मॉडल नहीं चाहिए यार, ये बहुत पुरानी हो गई है. डॉज चैलेंजर ले लेते हैं भाई, ये बहुत सही गाड़ी है, इसको रिपेयर कराना पड़ेगा. सॉरी डॉज चार्जर है, चैलेंजर नहीं. $26,000 की आंटी मुझे बोल रही है, $20,000 की ले लेता हूं क्योंकि ये गाड़ी 60 तक की प्यार से बिकेगी. द ऑफर इज टू लो भाई, ज्यादा ही सस्ता कर देगा. मैंने 22 में दे दो, इससे ऊपर मैं नहीं आने वाला हूं, ठीक है. डील है, लेट्स गो, गुड डिसीजन. इस गाड़ी की कंडीशन कैसी है भाई? देखने में तो बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी इसलिए मैंने सीधा रिपेयर के लिए भेज दिया. बाकी यहाँ पे एक SUV है, पीछे स्कोडा है. भाई ये आजकल ना ये वाली गाड़ियां मैं बहुत खरीद रहा हूँ, मतलब ये महंगी होती है बहुत. बक रीगर देखना है, पक्का 60 में बोलने वाला था, 64 की है. 56 की तो नहीं देगा, बट ट्राई कर लेते हैं, क्या पता 56,000 की मिल जाए तो बेचने में बहुत प्रॉफिट होगा. गाड़ी डैमेज है शायद, लेट्स गो बेच दी. तो ये गाड़ी भी हमने खरीद लिया, ये प्रॉपर माफिया कार है. चलो इस गाड़ी को मैं रिपेयर के लिए भेज देता हूँ. डैमेज है अच्छी खासी. ओ वेट, अपने पास जगह नहीं है तो मुझे टो करवा के अपने शोरूम के बाहर भेजना होगा. बाकी सामने एक शेवरलेट है और डॉज चार्जर है, ये 12% डैमेज है. $19,000 सस्ती मिल रही है भाई ये तो. एक काम कर, 19 तू कह रहा है तो मुझे तो 16,500 की खरीद लेते हैं. बेच दी, लेट्स गो. तो एक और अपने पास गाड़ी हो चुकी है, इसको भी टो करवा देता हूँ शोरूम पे. भाई अभी इतना पैसा रहता है ना अपने पास कि हम लोग कार मार्केट प्लेस आते हैं तो भाई लाइन से गाड़ियां खरीदते हुए चलते हैं. बट हाँ, अभी जितनी गाड़ियां मुझे खरीदनी थी, जो जो पसंद आई मैंने ले लिया, इसके अलावा मुझे कोई भी गाड़ी पसंद नहीं आ रही है. फटाफट से अपनी सुप्रा में बैठते हैं और जल्दी से चलते हैं शोरूम पे. आज हमने कोई भी रेयर कार कलेक्ट नहीं करी, बट हाँ जो जो गाड़ियां कलेक्ट करी है उसको मैं बेच के पैसा कमा पाऊंगा. अच्छी बात है कि यहाँ पर कोई भी रेयर कार नहीं खड़ी थी क्योंकि अपने पास पैसा नहीं है, मैं इस टाइम पे खरीद नहीं पाऊंगा अच्छी गाड़ियां. तो इसीलिए बेटर यही है कि हम लोग गाड़ियां पहले बेच के पैसा कमाएं, उसके बाद रेयर कार्स खरीदें. फिलहाल यहाँ पे मैं एक डॉज चार्जर लाया था, इसको रिपेयर पे लगा दो सर, ये भी मैं अच्छे से बेच दूंगा. और आज जितनी भी गाड़ियां टेक्नो मोटर्स के लिए मैं खरीद के लाया उन सबको भी मुझे बेचना है. बाकी ये अपनी मस्टैंग है, इसको ऊपर वाले फ्लोर पे खड़े कर देते हैं, कलेक्शन है भाई अपनी. और एक ये डॉज चार्जर है, ये भी रिपेयर पे जाएगी भाई. ये सुप्रा अपनी पर्सनल है, ये वाली गाड़ी रिपेयर पे जाएगी. पता करके आता हूँ भाई, दो गाड़ियां तो रिपेयर हो गई है. ये वाली सुप्रा मैं बेच दूंगा जो मैं बाद में खरीद के लाया था. इसका पैनल चेक कर लेते हैं, ये रिपेयर होगी भाई, 16% डैमेज है क्योंकि. चलो ठीक है, ये गाड़ी रिपेयर हो गई है, इसको भेज देते हैं टो करवा के. ओ नहीं, उसको नहीं भेजना था टो करवा के, वो अभी तो आई थी, उसको मैंने रिपेयर ही नहीं करवाया. चलो कहीं, जब तक सुप्रा को रिपेयर करवा लेते हैं फटाफट से. ये वाली गाड़ी रिपेयर होने वाली होगी, इसको लेकर चलेंगे. हो गई, इसको नीचे आने दो.
थैंक यू सर। यार इस बंदे को मैं कितना काम ला के देता हूँ ना भाई, मेरे से ज्यादा अमीर तो ये हो जाएगा। दिन के 10-15 गाड़ियां तो मैं इससे रिपेयर करवाता हूँ और वो मैक्सिमम टाइम लग्जरी कार होती है भाई। डॉज चार्जर को यहीं पे खड़े करते हैं और अभी हम लोग क्या करते हैं, ये गाड़ी है ना रिपेयर नहीं हुई, ओ ओ ओ उसकी दुकान पे काम चल रहा है, ये वाली गाड़ी भी भेज देते हैं रिपेयर के लिए। ओके तो ये वाली डॉज चार्जर रिपेयर पे लगवाते हैं और साथ में ये वाली सुपरा ठीक हो गई थी, इसको टो करवा के वहाँ पे भेज देता हूँ। डन भाई, यार सच में हालत खराब हो गई है, इतने ज्यादा चक्कर लगाने पड़ते हैं अंदर बाहर के, मुझे अभी एक और एम्प्लॉय चाहिए होगा यार। 4-5 गाड़ियां खरीद के लाया था, सारी गाड़ियां डैमेज थी, एक एक करके रिपेयर करवा रहा हूँ, आना जाना इतना ज्यादा हो रहा है, थक गया भाई। चलो भाई ये वाली गाड़ी भी रिपेयर हो गई है, इसको भी अभी मैं टो करवा देता हूँ और ये वाली गाड़ी को रिपेयर लगवाते हैं। पहले इसकी भी रिपेयर होने का वेट करता हूँ, फिर उसके बाद जितनी भी गाड़ियां हैं उन सभी को ले जाकर मुझे बेचने के लिए लगाना है। चल 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 बेटा, तेज हाथ चलाओ, अभी तुमने एक ही दरवाजा रिपेयर करा है। ओ नहीं नहीं ठीक है, ये फ्रंट लेफ्ट डोर भी रिपेयर होने वाला है। ओके तो फाइनली अपनी गाड़ी रिपेयर हो चुकी है, इसको चला के लेकर चलते हैं और अभी जितनी भी गाड़ियां मैं खरीद के लाया था आज के दिन, वो सारी ही गाड़ियां मैं फटाफट से बेचने वाला हूँ। आई डोंट थिंक कि वो सारी गाड़ियां आज बिक पाएगी, बट ठीक है सेल पे लगा देते हैं, कल बेच देंगे। भाई ये गाड़ी तो तगड़ी दिख रही है, वो चौड़ी है आगे से, ओए आराम से भाई, तो रेड लाइट का इंतजाम करवाओ यार, बहुत दिक्कत है। चलो भाई ये वाली गाड़ी को मैं पीछे ले आकर खड़े कर देता हूँ शोरूम में, मतलब बैक साइड से भी एंट्रेंस दे दिया यार। मुझे ना शोरूम की लुक थोड़ी सी चेंज करनी चाहिए, मेरे को चाहिए कि मैं कहीं से भी गाड़ी लाके खड़ी कर दूं, बढ़िया दिखे। एक तो ये मस्टैंग है, अपनी कार कलेक्शन का पार्ट है, तो इसको मैं ऊपर वाले फ्लोर पे भेज देता हूँ, क्योंकि अभी मेरी जितनी भी पर्सनल कार है उसे मैं ग्राउंड फ्लोर पे नहीं रखूंगा, उसको ऊपर भेजते हैं। चलो बटन दबाया था, गाड़ी अपने आप ऊपर चले जाएगी। बाकी एक मैं ये डॉज चार्जर लाया था, ये तुम्हें गंदी लग रही होगी, मतलब एकदम खराब घटिया लग रही होगी, बट एक्चुअल में गाड़ी इतनी गंदी नहीं है, प्रॉपर नई कंडीशन में एकदम, बस ये गाड़ी ना थोड़ी सी धुलाई मांग रही है, तो इसे यहाँ पे लाके पार्क करते हैं। अपना जो ये एम्प्लॉई है ये इसको आके वॉश कर देगा फटाफट से। आ रहा भाई भाग के एकदम, क्या पहनता है भाई पैंट में? अरे भाई तेरा टेलर पैंट काटना भूल गया, उसका एक धागा जुड़ा रह गया ये देखो नीचे से। चलो ठीक है, उसे परेशान नहीं करते भाई, काम करने दो उसको। एक यहाँ पे सुपरा है, इस सुपरा को भी फटाफट से अंदर ले जाके खड़े कर देता हूँ मैं एकदम आराम से यहाँ पे। बढ़िया, सुपरा हो गई, ये हो गई, अभी कौन सी गाड़ी है? ओके ये एक और डॉज चार्जर है। चलो भाई ये सारी गाड़ियां यहाँ पर लाकर मैंने एकदम मस्त खड़ी कर दी, इन सबको बेचने के लिए लगा दूं क्या? हाँ यार ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, गाड़ियां बेचने के लिए लगा देते हैं। तो पहले तो डॉज चार्जर लगाते हैं, $16,000 की लाया था, इसे $60,000 का बेचूंगा, आई होप ये बिक जाए। एक और डॉज चार्जर लाया था, ये भी हम लोग 65,000 की डाल देते हैं। बक रीगर, ये गाड़ी महंगी है, इसको मैं $1,50,000 का डालूंगा। एक सुपरा है यहाँ पे, ये सुपरा यार इस बार एक काम करते हैं 1,50,000 की निकाल के देखते हैं, गाड़ी पे अच्छा खासा काम हो रखा है यार। एंड एक मस्टैंग है, मस्टैंग मेरी अपनी गाड़ी है तो मुझे वो नहीं बेचनी। मैं सोच रहा हूँ यार अपनी गाड़ी को ना ऊपर कलेक्शन के लिए खड़े करूँ या फिर नीचे ही लाके पार्क करूँ, गाड़ी ऊपर रखी हुई भी बहुत अच्छी दिखेगी वैसे। ओके ठीक है, इस गाड़ी के लिए कस्टमर आ चुका है, इससे बात करते हैं कितने की खरीदनी है। मुझे ना यार आज गाड़ियां बेच के पैसा बहुत सारा कमाना होगा, अपनी गाड़ी का कलेक्शन बढ़ाना है यार। हाँ तो अच्छी डील आती है इस गाड़ी के लिए, अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मुझे 1,00,000 पार की बेचनी है गाड़ी। जल्दबाजी नहीं करेंगे, आराम से गाड़ी बेचेंगे। डॉज चार्जर है 30,000 भाई, 22 की तो मैं लाया हूँ, नहीं बेचनी मुझे। हाँ जी आंटी, आपको भी डॉज चार्जर चाहिए? ये गाड़ी मैं लाया था $16,000 की और ये आंटी खरीद रही है 31, नॉट बैड डबल प्राइस। आप एक काम करो 40 तो नहीं जाएगी बट 45, ठीक है 45 कैसे बोल सकता हूँ मैं, ये तो पागल हो जाएगी यार, इसको प्राइस कम करना है। नहीं आंटी मुझे नहीं बेचना, चलो चलो आज मुझे कोई गाड़ी नहीं बेचनी, बंद करो ऑफिस बंद करो, कल आऊंगा मैं जा रहा हूँ अभी थोड़ा सा ड्रैग रेस करने के लिए। देखो भाई सीधी सी बात है, आज के दिन हमने अपने शोरूम से कोई भी प्रॉफिट नहीं कमाया, मतलब जीरो, कोई पैसा नहीं कमाया, पर कल के दिन मैं बहुत पैसा कमाने वाला हूँ, मुझे मालूम है कैसे। मेरे पास बहुत पैसा पड़ा है, बहुत सारी गाड़ियां बिकने के लिए लगी है और यहाँ पर ये कौन आ रखा है भाई, टाइम पास का मन है क्या तेरा, टाइम पास करने आया तू है? $167 की रेस लगा रहा है भाई, ओडी Q7 वर्सेस निसान GTR। चलो गाइस आज इस बंदे को दिखाते हैं कि पहली गियर पे हराना किसे बोला जाता है। वैसे जरूरत पड़ेगी दूसरी गियर पे जाने की क्योंकि सामने भी है Audi Q7 है भाई, वो भी तगड़ी गाड़ी है, बट ठीक है इसका तो भाई। चलो भाई रॉकेट, अरे भाई स्टॉप, अरे भाई भाई भाई, अरे हेलो, अरे भाई इतना बुरा तो कभी किसी को नहीं हराया यार। भाई निसान GTR बहुत ज्यादा डेंजर है, इस गाड़ी से कंपटीशन नहीं। लेट्स गो भाई, गाड़ी में बैठ के फटाफट से चलते हैं घर पे सोने के लिए, कल आएंगे दोबारा से ऑफिस में। और नहीं 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 नहीं, आराम से यस लेट्स गो। हम लोग पहुंच चुके हैं नेबरहुड में, कल थोड़ी बहुत गाड़ियां यहां से भी खरीद लेंगे, इधर भी एक सुपरा मस्टैंग वगैरह सब मिल जाती है, पर हाँ वो सब अपने कल के काम में, आज जल्दी से जल्दी सोते हैं भाई, बहुत ज्यादा जरूरी है भाई सोना इस गेम में, हद से ज्यादा जरूरी है। चलो गुड नाइट, गुड मॉर्निंग गाइज। यार एक सेकेंड, मुझे लग रहा था कि आज ऑक्शन डे होगा बट आज ऑक्शन डे नहीं है, मतलब ऑक्शन में ना यार बहुत रेयर रेयर गाड़ियां मिल जाती है, बट कोई बात नहीं कल होगा ऑक्शन डे अगर आज नहीं है तो, हर एक दो दिन के गैप पे होता है तो ऐसे टेंशन लेने वाली बात नहीं है। एक सेकेंड मेरी गाड़ी थोड़ी गंदी है यार, पहले इसको थोड़ा बहुत वॉश करेंगे फिर इसे चलाएंगे, यार येलो कलर में बहुत सही चमकती है। चलो भाई गाड़ी एकदम मस्त मैंने वॉश कर दिया, अभी जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और इसे लेकर चलते हैं थोड़ी बहुत गाड़ियां ढूंढने के लिए यहाँ पर। यार इस गेम में डॉज चार्जर बहुत ज्यादा
ज्यादा नहीं बिक रही है। दो मिनट रुको, अपनी गाड़ी साइड में पार्क करता हूँ, पता करके आता हूँ कितने की है। हेलो, कितने की बेच रहे हो आप गाड़ी? 20% डैमेज है यार, रिपेयर करवा। नहीं यार, अभी मुझे गाड़ी रिपेयर नहीं करानी। वैसे वो गाड़ी इतनी सस्ती सी है, उसको भी रिपेयर करवाने की खाली पीली की टेंशन, वो मुझे नहीं पानी। भाई एक और सुपरा क्या हो रहा है यार? सुपरा आजकल सेकंड हैंड बहुत ज्यादा बिक रही है, पता करके आता हूँ। भाई बहुत गंदी डैमेज है ये गाड़ी, बट कितने की दे रहे हो? 64% डैमेज है, महंगी दे रही है भाई ये। एक काम कर तू भाई, बहुत महंगी गाड़ी है, तू इसे $45,000 की देगी? इतनी डैमेज है तो शायद इतना डाउन आना चाहिए। भाई नहीं, इसका प्राइस बिल्कुल फ्लेक्सिबल नहीं है, तो मैं इसे $58,000 से ऊपर नहीं आऊंगा यार, बहुत महंगी है। ओके लेट्स गो, बेच दी इसने। मैं इस गाड़ी को सीधा बिना बैठे इसमें रिपेयरिंग के लिए भेजो। सुपरा है इसलिए नाम का उसका टैग अच्छा है, इसलिए मैंने ले ली, वरना वो गाड़ी लेने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था यार। इतनी ज्यादा महंगी लिया, $1,00,000 में निकालनी पड़ेगी तभी प्रॉफिट होगा। बाकी यहाँ पर लेफ्ट में एक BMW बिक रही है, और कोई मस्टैंग वगैरह है क्या? फुल एकदम अच्छी कंडीशन में मिल जाए तो मजा आ जाएगा। भाई यार क्यों एक्सीडेंट हो रहे हैं आजकल इधर, इतने गंदे वाला एक्सीडेंट हो रहा है। हटो मुझे जाने दो। बहुत बढ़िया। वैसे यार एक ना मेरा मन कर रहा है कि क्यों ना आज ऑफिस जाने से पहले, मतलब अपना शोरूम ओपन करने से पहले एक ड्रैग रेस कर ले, मजा आ जाएगा भाई। चलो चलो चलो, हटो हटो। ओ भाई नहीं 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 नहीं, ओके मैं आ चुका हूँ ड्रैग रेस के लिए, और इधर सही चल तो रही है ड्रैग रेस। लेफ्ट वाला बंदा स्क्वाडा है, कितने की है भाई रेस? 508। आजा तेरे को मैं रॉकेट से मिलवाऊं। लेट्स गो भाई, अभी देखना अपनी गाड़ी ना उड़ती बहुत तेज है। चलो 3, 2, 1 बाय। एक और अब खत्म। गायब भाई। तेज है अपनी गाड़ी। तो अभी तू कितने की रेस लगा रही है भाई? 102। नहीं इतना फालतू ना टाइम है नहीं मेरे पास, वरना मैं तेरे को हरा देता। अभी सारा सीन ही आ रहा है ना, अपने पास फालतू टाइम नहीं है। चलो भाई यहाँ पर एक और रेस हम लोग जीत चुके हैं, ड्रिफ्ट मारते भाई प्यारी सी गाड़ी से। आराम से लेट्स गो। अभी हम लोग अपनी गाड़ी लेकर पहुंच चुके हैं वापस से शोरूम पे, यहीं पे साइड में पार्क कर देता हूँ। वैसे मेरा मन तो है मैं अपनी सारी गाड़ियां ऊपर पार्क करके आऊँ, बट ऐसे नीचे रहेगी ना तो थोड़ी सी एक अलग बातचीत है। मेरा जब मन करेगा, जोन सी गाड़ी चलाने का मन करेगा वो चलाऊंगा, ऊपर रखने का मतलब है बार बार ऊपर से नीचे लेकर आना ये सब ड्रामे। चलो भाई ठीक है, तो आज फटाफट से अपना ऑफिस ओपन कर देते हैं। कल जितनी भी गाड़ियां बेचने के लिए लगाई थी उनके सारे कस्टमर आएंगे, एंड आज मैं एक सुपरा खरीद के लाया हूँ, तो इस सुपरा का भी हम लोग रिपेयर पे लगवाते हैं। भाई बहुत ज्यादा डैमेज थी गाड़ी, रिपेयर होने में टाइम लगने वाला है अच्छा खासा। और आज ना अपने कुछ अनपेड बिल्स हैं भाई, इसे भी पे कर देता हूँ यार। कहाँ आज मैं एक रेयर कार कलेक्ट करना चाहता हूँ, बट कहीं कुछ मिल ही नहीं रहा है यार। मेरा बैंक का देखो कोई भी अनपेड बिल दिखाता नहीं है। इनवॉइस अराइव ऑन मंडे, बैंक विल्स अपीयर ऑन मंडे। आज मंडे है, बैंक का मुझे कोई भी बिल नहीं आया है। यहाँ बैंक में जाके तो नहीं पे करना? नहीं, मुझे यार बैंक का बिल पे करना है, क्योंकि मैं इनसे इन फ्यूचर लोन लेना चाहता हूँ। पता नहीं क्या दिक्कत है, बैंक अपना दिया हुआ पैसा लेना नहीं चाह रहा, और इन फ्यूचर मुझे लोन मिल नहीं सकते यार। बैंक का ना सही हेल्प रहता है, कभी इमरजेंसी पैसों की जरूरत पड़ जाती है तो भाई क्या यार। चलो खैर कोई बात नहीं, अभी यहाँ पर कस्टमर्स वगैरह आए हैं, इनको मैं गाड़ी बेचने का काम चालू करता हूँ। तो ये गाड़ी मैं $1,50,000 की बेचने जाता हूँ, और आंटी 74, भाग जाओ यहाँ से, नहीं बेचनी। अभी मैं सीधा मना करूंगा भाई, जो बजट नहीं टच कर रहा बाय बाय। 16,000 की लाया था 24, नहीं बेचनी। हाँ जी मैम, 16,000 की लाया था मैं गाड़ी, आप कितने की ले रहे हो? 30 तक तो मैं अब आया ना, डबल की बेचूंगा भाई। 32 ये बोल रही है, जो की प्रॉपर डबल प्राइस है, मैं इसको ले जाऊंगा 36,200। बार्गेनिंग सीखो तो मेरे से। लेट्स गो भाई, गाड़ी बिक गई मस्त। यहाँ पे एक सुपरा हमने बेचने के लिए लगा रखी है, 58 की लाया था, 1,00,000 की तो बेचूंगा मैं। नहीं है तेरे पे वैसा, भाग जाए से, नहीं बेचनी। ओके दो चार्जर के लिए दो लोग आए हैं। हाँ जी 22 की मैं लाया था ये गाड़ी, 29, भाग जाओ यहाँ से। 22 की लाया था, एटलीस्ट मुझे 50 चाहिए इसके। 27, भाग जाओ यहाँ से। हाँ जी मैम, आपको ये चाहिए बकरीगर, बहुत सही गाड़ी है, $1,00,000 दे। यार $1,00,000 नहीं है तो मत आओ ना मुझे परेशान करने, एक बार ऊपर वाले फ्लोर पे चलकर आते हैं भाई, वहाँ पर शायद से और कस्टमर वगैरह आए हैं गाड़ियां खरीदने के लिए। ओके इस गाड़ी के लिए तो भाई भीड़ लगी हुई है, ये भी बक रीगर है, ये भी 1,50,000 की डाली है मैंने, 68 की लाया था, एंड ये 90, नाइस बढ़िया कस्टमर। रुक जा तेरे को मैं बेचता हूँ, पहले इन भाई सबसे बात कर लूँ। 68 का प्राइस है सर, कितने की लोगे? 87, नहीं दूंगा आपको, गाड़ी में कोई डैमेज शैमेज नहीं है। 93, बढ़िया। अब आप एक काम करो, $1,05,000 की ले जाओ, बिक जानी चाहिए, ले ले भाई, बहुत अच्छी रील है। लेट्स गो, बिक गई भाई, थैंक यू सबको, थैंक यू। अभी चलते हैं वापस से नीचे, यहाँ पर और भी कस्टमर्स आ गए हैं वापस से गाड़ियों के लिए। बक रीगर के भाई मैं अभी ऊपर 1,00,000 की बेच के आया हूँ मैं, 84 ये आया ना बढ़िया कस्टमर। तू एक काम कर, इस गाड़ी के पूरे 1,00,000 ही दे दे, बहुत है, ले जाए इसे प्यार से, ले जा, नहीं लेना तो फिर भाग जाए यहाँ से। हाँ जी भाई इस गाड़ी को खरीद लो ना कोई 40,000 में, नहीं लेना भागो यहाँ से। यार एक डॉज चार्जर इतनी सस्ती क्यों बिक रही है यार आज? 30,000, एक काम कर 36 में ले जा यार, परेशान कर दिया। इसके कस्टमर इतने ज्यादा आ रहे हैं बट कोई पैसा लेके नहीं आ रहा, शोरूम में भीड़ अलग लगा रखी है इस गाड़ी ने बे में। तो देखो एक कस्टमर जाता है दो आते हैं। हाँ जी मैम, अभी ना आगे से डॉज चार्जर मैं नहीं खरीदूंगा यार, बिकती नहीं है ये, 30 से ऊपर जा ही नहीं रही। हाँ जी सर, आप कितने की लोगे यार ये गाड़ी? 28, नहीं भाई नहीं, इतनी सस्ती नहीं आती। सुपरा का बताओ मैम आप, $1,50,000 की लाया था मैं, 72 नहीं सॉरी मैं 58 की लाया था, ये 72 दे रही है, आप वेट करो, मुझे वैसे 1,00,000 की बेचनी
है तो आप भाग दो यहाँ से, काम करो, चलो निकलो। हाँ जी आंटी, आप बताओ, एटलीस्ट 90,000 की तो लो। और वाओ कस्टमर आया भाई, 93,000 ना, इससे बेचेंगे हम लोग 1,08,000 का। प्यार से ये 1,05,000 में ले जाएगी, या क्या पता इतने में ही ले जाओ। भाई कोई कोई कस्टमर होते कितना भी प्राइस बढ़ा दो गाड़ी ले जाते हैं। ये बहुत रैंडम चीज है यार इस गेम की, मतलब अभी मैं सीख गया हूँ डबल प्राइस में गाड़ी कैसे बेचनी है। तुम्हें पता होना चाहिए कि ये बिक सकती है या फिर नहीं। देखो अभी तक इस गाड़ी के कस्टमर नहीं आते, बट अभी आ गया, 95 देने के लिए रेडी है। इसको भी मैं गाड़ी 1,10,000 का बेचूंगा। बाकी यहाँ पर 1,50,000 की आंटी, 88, नहीं नहीं नहीं, महंगे कस्टमर आने लग गए भाई इस गाड़ी के भी। पहले मैं ये गाड़ी खरीदता ही नहीं था देखने। भाई इतना वेट भी नहीं कराया मैंने तुझे यार, वो कस्टमर को ना हमने थोड़ा सा ज्यादा वेट करा दिया इसलिए चला गया वो। बट ठीक है यार, अभी मैंने अपना शोरूम बहुत अच्छे से ना खाली कर डाला, सारी गाड़ियां मस्त एकदम बेच दिया। बाकी अपनी माफिया कार है, इसको फुल क्लीन कर देते हैं। यार वो जो बंदा था ना 95 तो ऐसे ही दे रहा था, उसको मैं प्यार से 1,08,000 डॉलर की गाड़ी बेच देता। बट चलो कोई बात नहीं, ऐसे कस्टमर आते जाते रहेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो अपनी माफिया कार फुल चमका दी। अपना कार कलेक्शन मैं सोच रहा हूँ कि इस तरफ में आराम से एक एक करके ना लाइन से सारी गाड़ियां पार्क कर देता हूँ। चलो एक काम करते हैं, इसे ऊपर वाले फ्लोर पे पार्क करके आ जाते हैं, बढ़िया रहेगा यार, नीचे से दिखेगा ना तो बहुत ही प्यारा लगेगा सही बताऊं तो। मस्टैंग यहाँ पे खड़ी हुई है, मस्टैंग को पहले ऊपर भिजवाते हैं फटाफट से, फिर उसके बाद अपनी ब्लैक वाली गाड़ी को लेके जाएंगे, फिर निसान GTR को लेके जाएंगे। और मुझे ध्यान रखना है, मुझे ये गाड़ी ना बेचनी नहीं है, अपनी पर्सनल कार हो गई तो हो गई, अभी बिकेगी नहीं भाई। चलो एक गाड़ी मैंने पार्क कर दिया यहाँ पे, डन। अरे भाई मैं तो इधर से गिर गया, पर अभी देखो यार काफी अच्छी दिख रही है ना डीलरशिप, ऐसे गाड़ी खड़ी रहेगी तो। सुपरा भी ले जाके पार्क करता हूँ, बट सुपरा का ना कलर गंदा है, सुपरा का ना हम लोग कलर थोड़ा सा चेंज करवा देते हैं। बाय द वे इसमें ड्रिफ्ट किट इंस्टॉल हो रखा है, जो कि बहुत ही सही चीज है। एंड इस गाड़ी का कलर हमें चाहिए ग्रीन, नियॉन ग्रीन, या फिर एकदम ही प्रॉपर ग्रीन पेंट कार। अभी गाड़ी को थोड़ा सा चमका के देखो कैसे दिख रही है। यस 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 यस, मुझे यही कलर चाहिए था। चलो ठीक है, मुझे वॉश करने की जरूरत नहीं है, मेरा जो बंदा है वो इस गाड़ी को वॉश कर देगा। चलो चलो लेट्स गो। ऑफिस में एक और कस्टमर आ चुका है, उससे भी मिलना है जाके बेचने के लिए। अरे भाई भाई कम फिसल। ओ यार एक सेकंड, लाइन लगी बढ़िया भाई गाड़ियों की। तो पहले अपनी माफिया गाड़ी पार्क कर कर आता हूँ मैं, और इसके लिए मुझे पहले इस लिफ्ट को नीचे बुलाना पड़ेगा। और यहाँ पर अच्छा जी कस्टमर वापस से बहुत सारे आ गए। कितने की चाहिए सर आपको? 1,50,096 कस्टमर आ रहे हैं भाई। अभी अभी सबको पता चल चुका है गाड़ी सस्ती नहीं है, तो सब लोग एटलीस्ट 90,000 तो जेब में डाल के आ रहे हैं इस गाड़ी के लिए। ये भी 94, वो 96। आप भाई मतलब वेट कराना भी इंपॉर्टेंट है इस गेम में। 81, ठीक है ठीक है, अभी कस्टमर चले ना जाए उससे पहले मैं इस गाड़ी को निकाल देता हूँ। 96 ये बोल रहा है, तो इस गाड़ी को मैं बेचने वाला हूँ। एक सेकंड रुक जाओ, एक और कस्टमर आई है इसकी। एक सेकंड इससे भी बात कर लेते। कितने आप कितने दे रहे हो? क्या पता है सीधा 1,00,000 दे दे, बहुत चांसेस है भाई। नहीं नहीं 87, चल टाइम वेस्टर। हाँ जी सर, अभी आप जाना मत जल्दी से, मैं आपके साथ एक बढ़िया डील कर रहा हूँ ठीक है। मुझे पता है अंधेरा हो चुका है, रात हो चुकी है, आपके घर पे खाना बन गया होगा, बट तुम एक काम करो, 1,10,000 या फिर 1,15,000 दो इस गाड़ी के और ले जाओ, हो सकता है दे दे भाई, बहुत चांसेस है, अमीर बंदा होगा। नहीं भाई चलो 1,10,008,000 दे दो। चलो 1,08,000 में मान जा भाई। ओके नाइस, बिक गई भाई गाड़ी। डॉज चार्जर भी निकाल देते हैं, पूरा गैराज खाली कर देता हूँ आज, पूरा शोरूम आज खाली कर देते हैं। 24, घर चले जा चुपचाप सो जा जाके। आप बताओ सर, यार कोई तो ले लो इस गाड़ी को 40 का। 29, रुक जा तू दो मिनट रुक। अच्छा सब चले गए, तू खरीद ले भाई, तू ले जा इस गाड़ी को। बार्गेन 34,000 की ले जा भाई, क्योंकि सरदर्द हो गया भाई इस गाड़ी के, इतने भर भर के कस्टमर आ रहे हैं। पर ये देखो इतनी सस्ती कर दी तो भी 33 की ले लें, 4,000 तो बढ़ा यार प्लीज। ओके नाइस, बिक गई। चलो भाई सारी गाड़ियां बिक चुकी हैं। अभी ना थोड़ी रात हो गई है, पर मुझे थोड़ा सा काम करना है, अपने शोरूम को थोड़ा सा ना सजाना है यार। तो इस गाड़ी को यहाँ पे मैं खड़े करके ऊपर भिजवाता हूँ, और इस गाड़ी को भी एकदम मस्त तरीके से पार्क करते हैं। मेरे पास ना एक मस्त आइडिया है, ये जो गाड़ी मैं सेंटर में लगा रहा हूँ ना, इस गाड़ी के लिए एक ये लगा देता हूँ जो पोडियम होता है। तो उसके लिए मुझे जाना है ऑफिस एडिट मोड में। अभी मुझे ऑफिस बंद करना पड़ेगा, चलो वो काम कल सुबह कर लेंगे। फिलहाल अभी बस एक और गाड़ी है जो कि मुझे ऊपर लेकर आनी है, और वो है अपनी ये सुपरा। इसको फटाफट से यहाँ पे बात करता हूँ भाई, इसमें मस्त ड्रिफ्ट किट है यार। चलो ले चलो इसे भी ऊपर। तो जैसे उस साइड पे मस्टैंग लगाई है, वैसे ही एग्जैक्ट इस साइड पे मैं सुपरा को पार्क करने वाला हूँ। बस गाड़ी मस्त पार्क हो गई है, उतर जाते हैं भाई। चलो 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 चलो, सारी गाड़ियां हो गई है मस्त पार्क, अभी हम लोग चलते हैं फटाफट से अपने घर पे सोने के लिए। निसान GTR भी मेरा मन है मैं ऊपर लाके पार्क कर दूं, बट ये गाड़ी मैं रेगुलर आने जाने के लिए यूज करूंगा, तो मैं नहीं पार्क करने वाला। बाकी गाड़ियां मैंने यहाँ पे लगा दी है, और अभी अपना शोरूम दूर से कुछ ऐसा दिख रहा है। मुझे मालूम है लेफ्ट में वो गाड़ी थोड़ी गंदी दिख रही है, टेंशन मत लो, कल तक क्लीन हो जाएगी। आज फिलहाल फटाफट बस पकड़ के चलते हैं घर पे। डन भाई, घर आ चुका हूँ, चलते हैं सोने के लिए। मेरे पास ना भी अच्छा खासा पैसा इकट्ठा हो गया, और मेरा मन है कि कल ऑक्शन हो। भाई 2-3 दिन से ऑक्शन नहीं हुई है, और आज भी ऑक्शन नहीं है, मींस हम लोग कोई भी रेयर गाड़ी नहीं ढूंढ पाएंगे। पर ठीक है, हम लोग अपने गैराज में एटलीस्ट गाड़ियां तो लाला के खड़ी कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर एक ऑडी TT बिक रही है, ये गाड़ी खरीद लेता हूँ, ये सही बिकती है, पर 32% डैमेज है यार। 21 की बेच रहा है, 18 की लेके फाइनल डील। पैसा ड्रामे नहीं, जल्दी बेचते, बढ़िया। ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। मेरे को भी एक गाड़ी मिल गई शोरूम।
जाने के लिए बस पकड़ के नहीं जाना पड़ेगा। बाकी ऑडी टीटी के अलावा तो यहाँ पर मुझे कोई भी ढंग की गाड़ी बिकती हुई नहीं दिख रही है। बगल वाली गली में मस्टैंग आ रखी है भाई, लेट्स गो। हाँ जी मैम, आप मस्टैंग कितने की बेच रहे हो? 0% डैमेज, बहुत अच्छी कंडीशन में, 52 की। एक काम करता हूँ, इसे 48 की ले लेते, 52 को 46 में तो नहीं देगी, चलो 48 की ले लेते, ज्यादा से रुलाते नहीं है, हम लोग कमा लेंगे इस गाड़ी से। चलो भाई गाड़ी आ चुकी है, अब एक काम करता हूँ, जो ऑडी थी इसको भेजता हूँ रिपेयर के लिए। अरे यार रिपेयर का खाली नहीं है, वहाँ पे भीड़ लगी हुई है उसकी दुकान पे। एक तो मुझे ये नहीं समझ आ रहा भाई, यहाँ पर डेली इतने ज्यादा खतरनाक एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं भाई, क्या हो रहा है गेम वालों ये सब। चलो ठीक है, रिपेयर वाले की दुकान खाली हुआ, उसमें मैंने भेज दिया गाड़ी। अब बैठते हैं मस्टैंग में एकदम, जो की परफेक्ट कंडीशन में, और जल्दी से लेकर चलते हैं इसको थोड़ी सी और गाड़ियां लेने के लिए। यहाँ पर एक और ऑडी बिक रही है, कितने की है भाई ये? 24% डैमेज, जे भी रिपेयर होने जाएगी और सस्ती है। लाओ मुझे गाड़ी 26 की दे दो जल्दी से, फटाफट, नो टाइम वेस्ट। ओके लेट्स गो भाई, मैं ना खर्चे तो कर रहा हूँ बट मुझे पैसे बचाने चाहिए। अरे इस गाड़ी को तो भिजवा दूं पहले, टो करवा दिया। हाँ तो मैं कह रहा था मुझे थोड़े बहुत पैसे बचाने चाहिए, क्योंकि कार मार्केट प्लेस में हो सकता है लैम्बोर्गिनी, पोर्शा या फिर कोई तो तगड़ी गाड़ी आ रखी हो, तो वो भी मुझे खरीदनी है यार। बाकी आज तो नेबरहुड में इतनी ही गाड़ियां थी, अभी और गाड़ियां हम लोग बाद में आके लेंगे, अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं। कार मार्केट प्लेस से चक्कर काटते हुए चलते हैं, देखते हैं कौन कौन सी गाड़ियां बिक रही है आज। लेट्स गो, हम लोग पहुंच गए हैं मार्केट प्लेस। और वेट, पीछे कुछ दिखा? पीछे कुछ दिखा भाई, बहुत तगड़ा ही दिख गया। ये देखो ऑडी R8 आ रखी है भाई, मेरे को बहुत पैसा चाहिए होगा। और जो मेरी वो ब्लैक वाली गाड़ी है वो दो आ रखी है, मर्सिडीज बेंज भाई, मुझे लाखों की जरूरत है, बहुत सारे लाखों की जरूरत है। थोड़े बहुत पैसे से आज काम नहीं होने वाला। ये ऑडी R8 कितने की है भाई? पहली तो ऑडी R8 ये 6, पागल हो गया क्या? $6 लाख की बेच रहा है, बट ये गाड़ी खरीदने में फायदा है, क्योंकि भले ही गाड़ी में पावर ना हो बट ये बिकती बहुत मस्त है। और यहाँ पर ये दो अपनी वो ब्लैक माफिया वाली गाड़ी आ रखी है, सोच रहा हूँ ये ले लेता हूँ यार, इन दोनों को बेच दूंगा 2 लाख। मतलब अगर मैं ये दोनों गाड़ियां खरीद के जल्दी से बेच दूं तो बहुत जल्दी जल्दी बहुत सारा प्रॉफिट हो जाएगा। 1,70,000 की बेच रहा है, 1,50,000 की खरीद लूंगा इससे, शायद ये बेच देगा भाई, इतना तो डाउन आएगा भाई। लेट्स गो, आ गया। एक गाड़ी अपने पास हो चुकी है, ये टो करवा देता हूँ, ये रिपेयर होने के लिए जाएगी फटाफट से। दूसरी यहाँ पर ये 2 लाख की दे रही है ये वाली गाड़ी, फियट की अबार्थ है। इसको मैं बोलता हूँ 1,80,000 की दे दे यार, प्लीज 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 भाई, आज नहीं बेच रही। 1,90,000 की, शायद अभी तो गाली हो गया भाई। लेट्स गो, ये गाड़ी को भी टो करवा देते हैं। अभी अपने पास मस्त 3 गाड़ियां हो चुकी है महंगी महंगी, जिसे बेच के मैं $6 लाख इकट्ठे कर सकता हूँ। बट वेट, मेरा सारा पैसा खत्म हो गया, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ $6,000 बचे हैं भाई। मुझे ना जल्दी से चल के आज बची कुछ गाड़ियां बेचनी पड़ेगी। मतलब ये जो मैंने मस्टैंग खरीदी है, एक तो पहले इसको बेचते हैं फटाफट से, ठीक है। इस गाड़ी को यहाँ पे लगाओ, जल्दी से इसे बेचने पे लगा देता हूँ, पैसा बहुत सारा चाहिए भाई। मुझे पता कैसे चलेगा मेरी वाली मस्टैंग कौन सी है? अच्छा कलर से, मेरी वाली का कलर रेड है, जो अभी मैं लाया हूँ वो व्हाइट है। तो इस गाड़ी को मैं 1 लाख डाल देता हूँ भाई सीधा, क्योंकि गाड़ी फुल मस्त कंडीशन में है। और अपने पास एक ऑडी टीटी है, जो की थोड़ी बहुत डैमेज थी यार, गाड़ियां बहुत सारी खरीद के तो लाया हूँ बट बहुत डैमेज है यार ये। चलो ये वाली सुपरा रिपेयर हो चुकी है, तो इस गाड़ी को मैं टो करवा देता हूँ, एंड ये वाली जो गाड़ी है इसको रिपेयर पे लगवाते हैं। जल्दी से सर इसे रिपेयर कर दो, फटाफट से मैं आ रहा हूँ। और जो ये वाली गाड़ी है ये रिपेयर नहीं हुई ना, इसे रिपेयर लगाओ। चलो 2 गाड़ियां मैंने रिपेयर पे लगवाई है, मस्टैंग के कस्टमर तो अभी तक नहीं आए वैसे, पर अच्छी बात यह कि भाई अपने पास बेचने के लिए ना 2 सुपरा है, तो ये वाली जो है इसको भी फटाफट से बेचने के लिए लगाता हूँ भाई। अभी गाड़ियां हैं, अच्छी खासी गाड़ियां हैं अपने पे। चलो ये वाली यहाँ पे पार्क करते हैं, एंड प्राइस मैं इस गाड़ी का डालता हूँ वेब पेज, टोयोटा सुपरा यार दोनों, हाँ $1,25,000 प्लीज बिक जाइयो। ऑडी टीटी है एक अपने पास, ये वाली गाड़ी भी हम लोग डाल देते हैं। नहीं अरे यार ऑफिस ही ओपन नहीं है तो कस्टमर कहाँ से आएंगे यार, मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ कस्टमर नहीं आ रहे, क्या यार। चलो ठीक है, गाड़ी में ड्रिफ्ट किट इंस्टॉल है। चलो भाई एक ऑडी टीटी रिपेयर हो चुकी है, दूसरी ऑडी टीटी लेकर आ गया हूँ, ये अपनी ब्लैक कार रिपेयर हो गई, इसे टो करवा देते हैं। इस वाली गाड़ी को रिपेयर लगवा देता हूँ भाई, बहुत ज्यादा काम करने लग गया हूँ मैं आजकल। ये वाली रिपेयर हो गई, इसे लेकर चल के पार्क करते हैं। चलो तो अपनी ये ऑडी को यहाँ पे पार्क करता हूँ बढ़िया से, ये वाली गाड़ी को मुझे रिपेयर पे भेजना है। मस्त, ये ब्लैक वाली लेकर आया था, इसे भी लगाते हैं भाई। अब ना 2 से 3 घंटे के अंदर मुझे सारी गाड़ियां निकाल देनी है भाई, तभी अपने पास प्रॉफिट हो पाएगा अच्छा खासा। मतलब जितनी गाड़ियां आई है ना, ये सारी की सारी 6 लाख में बिक जाए तो मस्त है। चलते हैं अभी वेब पेज पे, फियट की हम लोग लेकर आए हैं ना 1,90,000 की। मेरे पास पहले एक ऑडी टीटी है, इसको मैं डालता हूँ $60,000 का, कस्टमर आना चालू हो गए हैं। एक और ऑडी टीटी है जो की ऑफिस में ही नहीं है, एक फियट की हम लोग लाए थे ना, इसको बेचता हूँ मैं $4 लाख का निकालते हैं भाई। ये बिक गई ना एक ही गाड़ी भाई, बल्ले बल्ले कर देगी। एंड बाकी 2 गाड़ियां और रेडी है, शाम के 4 बज चुके हैं, अपने पास थोड़ा ही टाइम बचा है, मुझे जल्दी से गाड़ियां बेचनी होगी यार, एंड 6 लाख रुपए इकट्ठे करने होंगे। इस गाड़ी को टो करो, दूसरी गाड़ी को चला के ले जाऊंगा। अरे रिपेयर ही नहीं हुई है तो, अरे रिपेयर कर दो भैया जी, जल्दी करो मैं आ रहा हूँ यार। एक ऑडी R8 खरीदने के लिए कितनी चोचलेबाजी करनी पड़ रही है, भर चुका है भाई शोरूम पूरा, जगह नहीं है सांस लेने की। ऑडी टीटी ये भी डाल दो भाई, 50,000 या 80,000 की डाल देता हूँ, जाएगी
की तो नहीं, बट डाल देते हैं यार। टाइम ना बहुत ज्यादा हो गया, मुझे नहीं लगता कि सारी गाड़ियां इतनी देर में बिक पाएगी और मैं $6,00,000 इकट्ठे कर पाऊंगा। मतलब हमने आज अच्छा कलेक्शन इकट्ठा कर लिया, बट आज भी कोई महंगी गाड़ी तो नहीं खरीद पाए। गाड़ी सुपरा भाई 92 की बिक्री है, क्यों ना मैं इसे लाख का बेच दूं सीधा, खत्म करते हैं कहानी। 58 की लाया था, डबल कमा लिया, बहुत सही है। गाड़ी गई, यहाँ पर मस्टैंग है, प्लीज मस्टैंग के अच्छे पैसे दे दे यार, 42 तो बिल्कुल नहीं। आप बताओ मैम, जल्दी बताओ, टाइम कम है। 49 भी बिल्कुल नहीं, आप बताओ सर। 48 भाई, इतने की तो लाया हूँ यार, शर्म कर लो कुछ। ये ब्लैक गाड़ी के लिए कोई कस्टमर क्यों नहीं आ रहा भाई, ये 4 लाख की है। टाइम निकल गया भाई, नहीं खरीद पाए आज हम लोग गाड़ी। तो अभी मैं एक काम करता हूँ, जल्दबाजी में कोई गाड़ी नहीं बेचता हूँ, हमारे पास बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, ये आराम से बहुत महंगी बिक सकती है। ऑडी R8 अपने हाथ से जाने देते हैं, कोई बात नहीं। मुझे उम्मीद है कल ऑक्शन होगा और ऑक्शन के लिए हम लोग बहुत मस्त गाड़ियां खरीद लेंगे। भाई भीड़ लग गई यार शोरूम में, इतनी सारी गाड़ियां हो गई, पूछो मत। $5,00,000 की डालता हूँ जो नई वाली गाड़ी लाया, इतने कस्टमर आ रखे हैं भाई, देखे नहीं जा रहे मुझसे तो। हाँ, तो ये गाड़ी मैं $4,00,000 की बेचना चाह रहा था, एंड ये मुझसे खरीद रही है $2,24,000, बिल्कुल नहीं, भाग जाओ यहाँ से। अब बताओ मैम, भाई 4 लाख लिखा है तो 3,50,000 की मिनिमम बेचूंगा, नहीं खरीदनी तो नहीं बेच रहा। अब बताओ, 4 लाख 2,72,000, बिल्कुल नहीं। हाँ जी, आपको मस्टैंग चाहिए, मस्टैंग निकालते हैं यार, मस्टैंग बहुत गंदी दिख रही है। कितने की? 48 की लाया हूँ ना मैं, इसे ले जाओ यार। 48 ही प्राइस क्यों दे रहे हैं भाई, इतने की तो मैं लाया हूँ। ऑडी के लिए कितने सारे कस्टमर खड़े हैं। 40 नहीं भाई, 40 नहीं, 26 की लाया हूँ, एटलीस्ट मुझे इसे 60 का तो खरीदो। 41 नहीं, 41 तो कुछ भी नहीं है भाई, 44 फिर भी ठीक है, पर तू भी जा। अरे सब चले गए। तो गाइस देखो, अभी ना अपने ऑफिस में कस्टमर्स तो बहुत सारे आ चुके हैं, बट देखते ही देखते पूरी रात हो चुकी है। इसका मतलब है कार मार्केट प्लेस बंद हो गए हैं और जो ऑडी आ रही थी वो अपने हाथों से निकल गई है। तो कोई फायदा नहीं है अभी यहाँ पर इन गाड़ियों को बेचने का। मैं काम करता हूँ, बेचारे सब परेशान हो रहे हैं, ऑफिस बंद करके मैं जा रहा हूँ। मैं जल्दबाजी में गाड़ी बेचूंगा काली पीली सस्ते में, इससे बेटर यह है कि कल आराम से आऊं, गाड़ियां बेचूं और कार ऑक्शन होगा कल, उस कार ऑक्शन में से कोई बढ़िया रेयर गाड़ी निकालते हैं। अभी फिलहाल जल्दी से चलते हैं सोने के लिए, और गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बच गया। लेट्स गो गाइस, तो भी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर पे आराम से, एकदम गाड़ी डैमेज नहीं हुई, बढ़िया। पार्क करते हैं गाड़ी और जल्दी से चलते हैं भाई सोने के लिए। बहुत हो गया भाई आज बहुत हो गया। आज हमारा दिन इतना खराब था कि मैं गाड़ियों का अपने कलेक्शन बढ़िया करने निकला था, इतना ढूंढा, कोई भी अच्छी गाड़ी नहीं मिली। पर ये बात है कि बहुत सारी गाड़ियां आज मैंने खरीद के जरूर बेची, तो चल के बस अभी सोते हैं। तो चलो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोग को आज का ये गेम प्ले वीडियो भी जरूर अच्छा लगा होगा। आज के दिन में कोई रेयर कार कलेक्ट नहीं कर पाया, बट हाँ ये बात है कि मैंने आज बहुत सारी गाड़ियां खरीद के बेची, और अभी भी बहुत सारी गाड़ी अपने शोरूम में खड़ी है जिसको बेच के बहुत सारा पैसा आ जाएगा और मैं दोबारा से कोई एक रेयर कार खरीद के अपनी कलेक्शन में ऐड कर पाऊंगा। लेट्स सी नेक्स्ट कार कौन सी होने वाली है, लैम्बोर्गिनी, फरारी, पोर्शा या फिर कोई और भी बहुत तगड़ी कार जो कि मुझे अभी तक मालूम भी नहीं है इस गेम में है या नहीं, तो वो तो खैर पता चलेगा आने वाले वीडियोस में। बाकी आप लोग जाओ फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, इस वीडियो पर एम करते हैं 6 लाख लाइक का, तो लाइक का बटन दबा के गोल कंप्लीट कर देना। कमेंट में जाके अपनी फेवरेट कार का नाम जरूर लिख देना, और हाँ जो लोग भी चैनल पर न्यू है नीचे सब्सक्राइब का बटन आ रहा है उसे जल्दी से जाके दबा दो। बाकी मैं आप लोगों से मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।